Good morning, guys. Hopefully, you guys are doing well today. And today is Eid al Adha 2021. Huh? ये मैं क्या बोली जा रहा हूँ? Assalamualaikum. कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आज ईद का दिन है और आज मैं बनाने लगा हूँ ईद का व्लॉग. और रात को इसी एक्साइटमेंट में मैं पूरी रात सोया नहीं कि सुबह उठ के जाके ईद की नमाज़ पढ़नी और मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ. तो अभी बच चुके हैं सुबह के 6 और मैं तैयार होकर आ चुका हूँ गाड़ी में. मैं अभी जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने. तो मैं देखूँगा जाके, अगर कोई वीडियो बनाने का सीन ना हुआ तो मैं फिर नहीं बना पाऊँगा क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है. तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने. तो ईद की नमाज़ पढ़ के वापसी पे मेरा एक प्लान है, वो मैं आपको ईद की नमाज़ पढ़ के आके बताऊँगा. सो लेट्स गो. माशाल्लाह, मौसम भी बहुत खूबसूरत आज, अल्लाह ताला की रहमत. जी, ईद की नमाज़ पढ़ के फाइनली मैं निकल चुका हूँ और मौसम आज बहुत खूबसूरत है. मास्क जो है वो लाजमी चीज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मास्क भी पहना हुआ है. पिछली वीडियो में मुझे किसी ने कहा था कि यार वो मास्क जो है ना वो आपने नहीं पहना हुआ. तो खैर, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. ये मैं अपना साथ लेके आया था तो ये मैं वापस रखता हूँ. और भाई, जूती चोरी होने का ख़तरा है तो जूती भी मैं अपनी साथ लेके आया था. अब करते हैं जूती चेंज और निकलते हैं कब्रिस्तान के लिए. अब मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान और कब्रिस्तान जाके जो है वो अपनी दादी माँ के लिए फातिहा करेंगे. चलें जी. कब्रिस्तान में पहुँच चुका हूँ, अभी करते हैं जी दुआ और फिर दुआ करके वापस निकलेंगे. दुआ मैंने मांग ली है और मौसम खैर सुबह तो बहुत अच्छा था, अब थोड़ी सी धूप स्टार्ट हो गई है. तब चलते हैं और चल के जाके कुर्बानी का सीन करते हैं. मैं हो गया हूँ जी लेट और मेरे आने तक चेक करें, इन्होंने लमका भी दिया हुए हैं. आप लेट हो गए सर, अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए हैं. दो अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुके हैं अभी. रहता है वो बेड़ा, बेड़ा भी रहता है. चलें जी, वो भी रहता है, वो जब होगा तो फिर उसकी भी आपको दिखाएंगे. ईद मुबारक. पूरी मिलते होते हैं यार. मैं बस ना आज लेट हो गया हूँ. ये बकरे का मैनीक्योर पेडीक्योर हो रहा है. सारी बातें छोड़ो, ये स्किल चेक करो. ये होते हैं प्रोफेशनल कसाई है. अभी ये भी जानवर जो है ना, ये भी ज़िबान है. ये रात को है 2 बजे. कहाँ से किए हैं गंदे? मेरा कॉटन का सूट. ओ माय गॉड. ये अब्दुल्ला भी इसको खोल रहा है, कह रहा है यार ज़रा खोल के इसको चलाते हैं, चला के चेक करवाते हैं. इतना सौ है, सौ मतलब कि कुछ नहीं जाता. वो तेरे पकड़ने से पता चल गया कि वाकई यार ये बड़ा मन पसंद है. चेक करो ज़रा. दुख दिए ये क्या नाम रखा है इसका? टाइम नहीं मिला इतना मुझे नाम. दुल्ला कह रहे इतना टाइम ही नहीं मिला यार, इसका नाम ही रख सकते हैं. नहीं जी, हमने टाइम ओ टाइम ही कर लिया है और अब हम टाइम ओ टाइम करके, जिन्होंने अभी तक कुर्बानी नहीं की कम से कम वो तो गोश्त खाना. क्या हो गया, अब हम जा रहे हैं गोश्त बांटने. चलो भाई. नहीं जी, मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं गोश्त बांटने, अभी मोटरसाइकिल थे अब्दुल्ला की हैवी बाइक पे. साहब जी, आपकी पहली ईद है चिट्टे सूट में. पहली ईद है और ऐसी नज़र लगी, अपनी खुद की नज़र लगी है मुझे. जो की है अभी मैं नमाज पढ़ने से पहले मैं बैठे के बाद गया, उसने जनाब ऐसे दुम घुमा के मारी है और जनाब सा क्वार्टर पूरा हो गया यार.
ਖੱਲਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਖੱਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਸਟਿੰਗ ਪੀਵਾਂਗੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜ਼ਰਾਫਾ ਚੋਕ ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਜ਼ਰਾਫੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹੈ ਤੋ ਵੈਸੇ ਜੋਕਸ ਸਾਈਡ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਹੋਤੀ ਹੀ ਉਨਕੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕ ਕੋ ਯਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਗਰੀਬ ਕੋ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੋ ਖਾ ਲੇ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਮੈਂ ਬੈਗ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਇਹ चिकन कढ़ाई बन रही है वो भी बकरा ईद पे कैसा लगता है देख के और सुन के ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बच्चे गोश्त नहीं खाते हैं स्पेशली अब्दुल्ला तो इसके लिए बन रही है चिकन कढ़ाई ये देखें जी तकबीर वाली छुरी को तेज़ किया जा रहा है अभी ताकि जानवर को तकलीफ ना आए हैं पहली दफ़ा एको बारी वो काट दे है इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए जानवर को जो है ना अजियत नहीं देनी चाहिए हाँ जी उसको एक हल्की सी छुरी लगे और वो कुर्बान हो जाए तैयारी की जा रही है बैड़े की और बैड़े को भी कुर्बान करना तो उसके लिए जो है ना वो ये छुरियाँ वगैरह तेज़ कर रहे हैं तो ये रहा बैड़ा ठीक है अब इसकी बारी है और टाइम क्या हो चुका है जी 11 बज गए तकरीबन तो इंशाल्लाह ये भी 5-10 मिनट में जो है ना ये भी तैयार हो जाएगा अब्दुल्ला चले भाई वो आ गए भाई आ जाओ जी थोड़ा इंतजार हो रहा है जी ये भी आ गए हैं टीम तैयार है अब्दुल्ला साहब आपने टांगे पकड़नी है मैं पूछल पकड़ूंगा बस चलो ले आओ फिर बेशक जी ये देखें जी वाम कट्ठी हो गई है और ऑडियंस चेक करो अब्दुल्ला ये तेरी ऑडियंस है इसको बांध रहे हैं इस टाइम देखते हैं कि क्या टेक्निक है बांधने की यार ये होती ना पक्की जगह ज़रा पक्की से मुराद कोई सड़क वगैरह होती ना अब्दुल्ला साहब ये काबू नहीं आना था ये तो नीचे है वो दूसरा फर्श जिसकी वजह से ना हाँ जिसकी वजह से ना स्लिप हो गया वो गिर गया काम से पाँव पकड़ा ही जा रहा है कोई कुछ कुछ कोई इतने वो नहीं किया इसने रिजिस्ट नहीं किया ये इसकी टांग ये बहुत खतरनाक है हाँ। ये आपकी टांग तोड़ सकती है इसकी टांग अब्दुल्ला घुट के फड़ी फोन रख लो यार हाँ? हाँ?
आप लोग सोच रहे होंगे ना कि यार इसके कपड़ों को क्या हुआ है। तो बेसिकली सीन कुछ इस तरह से है कि रात का मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आई हुई थी। तो मैं फिर सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के कुर्बानी वगैरह करके और गोश वगैरह बांटने के बाद मैं आके थोड़ी देर सो गया था। और अब बज चुके हैं दोपहर के 3 और अब चलते हैं, मोमिन को जाके तैयार करते हैं, जाके ख़ुद भी तैयार होते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं मोमिन के नानों की तरफ। जी फाइनली हम हो चुके हैं तैयार और अब हम जा रहे हैं मोमिन के नानों की तरफ। हे गाइस, आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। खाना पीना हमने खा लिया है और मेरी मदर इन लॉ ने बहुत मज़े का दम पुख्त बनाया हुआ था, मैंने बहुत मज़े से खाया है और इसके साथ कढ़ाई थी। तो अभी मैंने पेट भर के खाना पीना कर लिया है। ये मेरा नेफ्यू है हारून और मैं इनके इंस्टाग्राम का पेज भी नीचे दे दूँगा, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाओ और हिट द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच मोर ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।